हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया की तरफ से। आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ आपके लिए, और जो टॉपिक का नाम है वो है विलोम शब्द। जी हाँ, विलोम शब्द। तो इस टॉपिक में हम जिन विषयों पे हम बात करेंगे, वो पहला है विलोम शब्द क्या होते हैं, और दूसरा है इसकी परिभाषा एवं नियम, और इसके हमने जो उदाहरण दिए हैं ये 100 से प्लस उदाहरण है, यानी कि 100 प्लस उदाहरण। और ये जो विलोम शब्द है ये आप प्राइमरी क्लासेस में भी देख सकते हैं, आप इसे हायर क्लासेस में भी पढ़ते हैं, आप सीटेट डीटेट प्लस भी, या फिर किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो ये सारे वहाँ भी आपको देखने को मिलते हैं ये विलोम शब्द। आप अगर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ भी विलोम शब्द वगैरह आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरा देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने दो फ़ोटोज़ लिया है। जो पहला फ़ोटोज़ है इसमें एक गरीब है एक अमीर है, ये गरीब इंसान है ये एक अमीर इंसान है। तो हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं विलोम शब्द की। तो विलोम शब्द में इनका काम क्या है ये बताते हैं। अगर हम बात करें गरीब, तो गरीब का अगर विपरीत जो शब्द होगा, यानी कि जो विलोम शब्द होगा वो होगा अमीर, इसलिए हमने ये वर्ड यहाँ पे लिया है गरीब अमीर। और जो दूसरा है दिन, और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक दिन है एक रात है, तो जो दिन का उल्टा होता है यानी कि जो दिन का विपरीत होता है, विलोम होता है, वो रात होती है। तो दो उदाहरण हमने देखे पहले, यानी कि एक गरीब और अमीर, दूसरा दिन और रात। अब थोड़ा सा इसको एक बार परिभाषा पर भी हम ध्यान दे देते हैं। तो जो परिभाषा है विलोम शब्द की, वो परिभाषा है ऐसे शब्द जो, तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कि हमने उदाहरण भी देखा, और एक बार फिर से परिभाषा देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे के विपरीत उल्टा अर्थ बताते हैं, जैसे कि दिन का रात, अमीर का गरीब, ऐसे, और इन शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। देखते हैं हमारा अगला इससे कुछ उदाहरण है, हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण हमने बहुत सारे ले रखे हैं, पहले एक बार हम एक नॉर्मल इसके उदाहरण देखते हैं, साधारण उदाहरण के बाद हम इसका जो थोड़ा जटिल होगा, कठिन होगा, हम उन पर ध्यान देंगे। तो जो पहला उदाहरण है अंधकार, अंधकार का जो अपोजिट वर्ड होगा, यानी कि जो इसका विलोम शब्द होगा, वो प्रकाश होगा। अपना का होगा पराया, अमीर का गरीब, अमृत का विष, आकाश का विलोम है पाताल, और अनुकूल का है प्रतिकूल, आदर का है निरादर, आस्तिक का है नास्तिक, और आय का है व्यय। तो ये कुछ विलोम शब्द हैं जो हमने देखे, और हम विलोम शब्द एक बार देख लेते हैं। और इसके आगे जो विलोम शब्द है वो है आदि का अंत, अष्ट का उदय, आदन का आदान का प्रदान, उत्तर का प्रश्न, उपकार का अपकार, उच्च उपकार का होगा अपकार, उच्च का होगा निम्न, और उन्नति का होगा अवनति, उत्थान का पतन, और एक का अनेक। कायर का तो हम सबको पता है वीर होता है, कायर का वीर होगा वीर। देखते हैं अगला जो हमारे और उदाहरण है, तो इसके जो आगे के उदाहरण वो है, पहला जो शब्द है वो है कठोर, और कठोर का विलायम है विलोम है मुलायम, गीला का जो विलोम है वो है सूखा, जन्म का मृत्यु, जय का पराजय, और जो जड़ है उसका है चेतन, लोक का परलोक, सच का झूठ, एकता का अनेकता, और अनुज का अग्रज। और भी शब्द हैं, हम देखते हैं आशा का निराशा, सौभाग्य का दुर्भाग्य, उतार का चढ़ाव, और हानि का लाभ। ये तो कुछ हमने नॉर्मल उदाहरण दिए थे, अब एक बार हम देखते हैं इसका पूरा वर्णमाला के हिसाब से, कि वर्णमाला के हिसाब से आज जो विलोम शब्द होंगे वो कौन कौन से होंगे। तो मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर कुछ आपके लिए उदाहरण, चुनिंदा उदाहरण लिए हैं, जो आपको छोटा आ से लेकर ज्ञा तक मिलेगा, यानी कि ज्ञा से ज्ञानी तक का मिलेगा। सारे उदाहरण हमने लिए हैं, तो ये 100 के प्लस उदाहरण हैं। अगर आप इन उदाहरणों को एक बार ध्यान से देख लेंगे, आप इन्हें नोट डाउन कर लेंगे, तो आप कोई भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करने जा रहे हैं अगर, तो जहाँ पर ये ऐसे प्रश्न आते हैं तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही जाएगा। तो देखते हैं हम एक बार
पहले आ और आ के हैं, जो आ और आ के स्वर वाले जो है हमारे पास विलोम शब्द, और उनको देख लेते हैं। पहला है अतिथि, अतिथि का होगा आतिथ्य, और अदोष का है सदोष, अग्रज का है अनुज, अनाथ का सनाथ, और अल्पायु का दीर्घायु, अनुरक्ति का विरक्ति, अनुराग का सुराग, और भी हैं इसके देखते हैं, अल्पज्ञ के बहुज्ञ। उसके बाद इधर और भी हैं देख लेते हैं हम, अवर का है प्रवर, अकाम का सुकाम, अंतरंग का बहिरंग, अर्पण का ग्रहण, अष्ट का विलोम है उदय, अमर का जो है विलोम है मत्र्य, और अवनति का है उन्नति, अनुकूल का है प्रतिकूल। ये तो आज से जो स्वर वाले हैं, और भी आज स्वर वाले और भी हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम। तो अगला जो है वो है अत्याधिक का, जो है वो अल्पल्प है, अत्यल्प है, अत्याधिक का अत्यल्प यानी कि अत्याधिक बहुत ज़्यादा, अत्यल्प बहुत कम, अधा का है ऊपरी, अधिकतम का है न्यूनतम, और अधुनातन का है पुरातन, अनुग्रह का विग्रह, अर्पित का गृहित, अर्जन का वर्जन, अपेक्षा का उपेक्षा, अधम का उत्तम, अधिकारी अनाधिकारी, अंधकार का प्रकाश, और अंतर्मुखी का बहिर्मुखी, अश्रु का हास, अभिज्ञ का अनुभिज्ञ, अग्र का पश्च, अपमान का सम्मान, और अथ का इति। ये तो आ आ वाले स्वर की बात हुई। अब देखते हैं हम ई और बड़ी ई से, जो ये जो दो हमारे शब्द हैं इनसे कौन कौन से अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं वाक्य बनते हैं, या कौन कौन से शब्द बनते हैं इन दोनों से, इन दोनों वर्ण से। तो पहला है इति, इति का जो विलोम है वो है अथ, इसका का उसका, इच्छा का अनिच्छा, ईश्वर का अनिश्वर, ईषत का अलम, अहलोक का परलोक, इकट्ठा का अलग, इष्ट का अनिष्ट, और ईद का मुहर्रम, ईश का अनिश। अभी देख सकते हो यहाँ पे कुछ वर्ड छोटी ई वाले थे, और कुछ वर्ड यहाँ पे देख सकते हैं अभी बड़ी ई वाले थे। अब देखते हैं अपना अगला जो हमारा है, अगले जो वर्ण है वर्णमाला के, ऊ और बड़ू बड़ी ऊ, ऊ और बड़ी ऊ के एक बार हम देख लेते हैं कुछ शब्द। पहला है उपकार, और जो उपकार का विलोम है वो है अपकार, और उसके बाद है उद्दात का है अनुदात, उधार का है नकद, उन्नति का अवनति, उद्घाटन का है समापन, और उन्मीलन का है निमीलन, उत्तरायण का है दक्षिणायन, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, उदय का अस्त, उच्च का निम्न, उत्साह का है निरुत्साह, उचित का है अनिचित, अनुचित, और उपचार का है अपचार, और उपमेय का अनुपमेय। ये जो शब्द है ये उपचार, ये दिसंबर 2019 के सीटेट में आया था, जो सेट सी था, सेट सी में ये आया था एक पैराग्राफ के अंदर, उपचार का अपचार। तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे देख लेते हैं, उत्थान का है पतन, और उर्ण का है ऋण, उदयाचल का है अस्ताचल, उत्तर का है दक्षिण, और उत्कृष्ट का है अनिकृष्ट, उन्मुख का है विमुख, उद्दम का निरुदम, उद्दत का अविनीत, और उपस्थित का अनुपस्थित, उद्रव का अधो। और भी हैं कुछ, ये भी देख लेते हैं हम। उपयोग का है दुरुपयोग, और उत्कर्ष का है अपकर्ष, उपयुक्त का है अनुपयुक्त, उत्तम का है अधम, उधम का है विनय, उग्र का है सौम्य, उपसर्ग का है प्रत्यय, और उर्वर का है अनुर्वर, और बंजर यानी कि उर्वर के दो हैं, एक है अनुर्वर, दूसरा है बंजर। उसके बाद है उद्रवगामी, इसका है अधोगामी, जो उद्रवगामी का है इसका अधोगामी है। अब आगे का शब्द देख लेते हैं हम, ए और ए वाले, तो इनके भी देख लेते हैं हम कुछ शब्द। जो पहला है वो है एक, तो एक का विलोम है अनेक, एकल का है बहुल, एकता का है अनेकता, और एहिक का है परलौकिक, ऐश्वर्य का है अनैश्वर्य, एड़ी का है चोटी, ऐसा कहते हो सुना आपने कि मैं एड़ी चोटी का जोड़ लगा दूंगा, तो एड़ी का जो विलोम है वो चोटी है। एकत्र का है विकर्ण, एकाग्र का है चंचल, और एक्य का है अनेक्य, ऐतिहासिक का है अनैतिहासिक। तो ये इसके विलोम हो गए। अब आगे विलोम हम देख लेते हैं ओ और ओ के शब्द वाले, तो इसके चार हमारे पास हैं जो विलोम शब्द हैं। पहला है ओजस्वी का निस्तेज, औपचारिक का अनौपचारिक, और औचित्य का है अनौचित्य, और औपन्यासिक का है अनौपन्यासिक। आगे देख लेते हैं, आगे ये कावर्ग वाले जो हैं, कावर्ग वाले सारे शब्द आ जाएंगे इसमें, तो कावर्ग वाले शब्दों को हम एक बार देख लेते हैं। कल का है आज, कर्म का है व्यतिकर्म, कनीय का है वरीय, कुटिल का है ऋजु सरल,
और कृत्रिम का है प्राकृति, और कार्य का है अकार्य, कठोर का कोमल, कुकृत्य का है सुकृत्य, और कुकृत्य सुकृत्य ये दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं, आप देख सकते हैं। उसके आगे है क्रय, क्रय का है विक्रय, कलुष का है अनिष्कलुष, और कड़वा का मीठा, ये कावर्ग वाले शब्द हैं। अब आगे और देख लेते हैं, क्षमा का है क्रोध, और जो क्षुद्र है इसका है महत्व, क्षमा का है दंड, और ख्यात का है कुख्यात, खगोल का भूगोल, खुला बंद, खंडन का मंडन, खेद का प्रसन्नता, और गृहस्थ का मुक्त, गुप्त का प्रकट, ये कुछ विलोम शब्द हैं। और गुण का अवगुण होगा, खल का सज्जन, खिलना का विलोम मुरझाना है, खाद्य का विलोम है अखाद्य, और खिजना का है रीझना, खरा का है खोटा, गत का है आगत, गंभीर का है वाचाल, और गृहित का है त्यक्त, और गगन का है पृथ्वी। अब हम चावर्ग वाले शब्दों को भी एक बार देख लेते हैं। चावर्ग वाले हैं, पहला है चर का अचर, और चिन्मय का जड़, चल का अचल, चोर का साधु, निरंतर चिरंतन का नश्वर, चेतन का अचेतन, चढ़ाव का है उतार, चंचल का स्थिर, चाह का अनचाह, चतुर का मूढ़, चिर का अचिर, छाह का धूप, ये विलोम शब्द चावर्ग वाले हैं। और देख लेते हैं चावर्ग वालों का, जल का देख लेंगे हम, जल का जो विलोम है वो है थल, जागरण का निद्रा, और जागृत का सुषुप्त, और जोड़ का घटाव, जड़ का चेतन, जय का अजय, जीत का हार, झूठ का सच, और जागृत का है सुषुप्त, जाड़ा का गर्मी, जीवन मरण, जंगम का है स्थावर, जाति का है कुजाति, ज्ञान का अज्ञान, और झोपड़ी का महल, ये चावर्ग वाले शब्द थे। अब तावर्ग वाले शब्दों को भी एक बार हम देख लेते हैं। तावर्ग वाले जो शब्द हैं, पहला है तामसिक, इसका है सात्विक, ताना का भरनी, तारीफ का शिकायत, तिमिर का है प्रकाश, तीव्र का मंद, तुक्ष का महान, तृष्णा का है वितृष्णा, और ताप का शीत, तिक्त का है मधुर, तीक्ष्ण का है कुंठित, तुकांत का है आतुकांत, और ये त्याज्य का है ग्राह्य, तुल का अतुल। आगे भी देख लेते हैं हम, दानी का है कंजूस, दुरुपयोग का है सदुपयोग, दुर्जन का सज्जन, धर्म का अधर्म, ध्वंस का है निर्माण, धूप की छाह, नख का है शिख, और नागरिक का है ग्रामीण, और निषिद्ध का है विहित, और निर्लज का है सलज, दुर्गंध का है सुगंध, और धनी का है निधन, धरा का गगन, नर का नारी, नूतन का है पुरातन, निर्दय का है सदय, और निरामिष का है सामिष, और नैसर्गिक का है कृत्रिम, निद्रा का है जागरण, निराकार का साकार, निश्चल का छली, नमक हराम का है नमक हलाल, निषेध का विधि, और निश्चेष्ट का है सचेष्ट, दिन का रात, और दीर्घकार का है कृषि कार्य, दाता का सूम, दक्षिण का है जो अपोजिट वाम है, यानी कि दक्षिण का उत्तर नहीं वाम है, निर्गुण का है सगुण, नगर का है ग्राम, निर्जीव का सजीव, न्यूनतम का अधिक, दुराचारी का है सदाचारी, और दुराशय का है सदाशय, देय का है अधेय, और दिवा का है रात्रि, यानी दिन की है रात्रि। और पावर्ग वाले भी एक बार हम देख लेते हैं, ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले हैं। पावर्ग का जो है पहला है पक्ष, यानी कि पक्ष का है विपक्ष, पंडित का मूर्ख, पठित का अपठित, और परतंत्र का है स्वतंत्र, और पाश्चात्य का है पौरवात्य, प्रसाद का है विषाद, पुरुष का है कोमल, और पूर्ण का है पाप, परमार्थ का स्वार्थ, पूर्ववर्ती का है परवर्ती, और परवर्ती का निर्वर्ती, प्रत्यक्ष का परोक्ष। और भी कुछ है वर्ड्स हम देख लेते हैं, ये 11 लाभ वाले हैं, इनको भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। यश का है अपयश, रथ का है विरत, लघु का है गुरु, लौकिक का है अलौकिक, और बहिष्कार का है स्वीकार, विपत्ति का है संपत्ति, विपन्न का संपन्न, यथार्थ का कल्पित, राग का है विराग, लिखित का अलिखित, लेन का देन, व्यास का समास, और अवृष्ट का है अनावृष्ट, विश्लेषण का है संश्लेषण। आगे भी है थोड़ा सा देख लेते हैं, योगी का है अभोगी, रचना का है ध्वंस विनाश, राम का रावण, रूपवान का कुरूप, राजा का है रंक यानी कि प्रजा, लुप्त का है प्रकट, और लिप्त का है निर्लिप्त, विरत का निरत और सत, और विकीर्ण का है सकीर्ण, और है वैमनस्य का सौमनस्य,
रिक्त का है पूर्ण, रंगीन का है रंगहीन विरंग, लाभ का है हानि, लौह का है स्वर्ण, व्यर्थ का है अव्यर्थ और सार्थक, विनीत का है उद्धत, विपद का है संपद और विशिष्ट का है साधारण। थोड़े से और हैं, एक बार देख लेते हैं, हम ज़्यादा नहीं हैं, बस यही इतने हैं, इसके बाद ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक। तो देखते हैं शा शा और सा और हा वाले शब्द को। पहला है शोषण का पोषण, शरण का है अशरण और श्वेत का है श्याम, शिव का है अशिव, शकुन का है अपशकुन, शत्रु का है मित्र, शुष्क का है आर्द्र और शलील का है अशलील, शांत का है अशांत, शीत का है उष्ण, शयन का है जागरण, शुभ का है अशुभ, शासक का है शासित, शुक्ल का है केशण, शोक का है हर्ष, शुचि का है अशुचि, शोषक का है पोषक शोषित, श्रभ का है अश्रभ्य दृश्य। तो ये थे हमारे आज के सारे अपर्यायवाची शब्द, बिल्कुल नहीं थे ये आज के, थे ये विलोम शब्द। अगला टॉपिक एक्चुअली मैं पर्यायवाची पढ़ाने वाला हूँ, तो मेरे दिमाग में भी पर्यायवाची ही चल रहा है। तो हमने ये विलोम शब्द किए, इतने सारे जो विलोम शब्द थे हमारे, ये 100 से प्लस के मेरे हिसाब से 250 से 300 शब्द के ऊपर थे। अगर आप इन उदाहरणों को आप फ्यूचर में आप अगर कहीं कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप इन एग्ज़ाम्पल्स को एक बार दोहरा के जाते हैं, तो आपका जो भी प्रश्न आएगा, 2 या 3 प्रश्न जितने भी प्रश्न आते हैं, वो आपका कभी गलत नहीं हो सकता, आपका प्रश्न बिल्कुल सही होगा और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अगर हमें फॉलो करना चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, पढ़ेगा इंडिया विदेश के नाम से, और अगर हमें आप टेलीग्राम पे मिलना चाहते हैं तो पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया वर्ल्ड के नाम से, आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लर्नर्स, तब तक तो पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया।